बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बीट रूट यानी कि चुकंदर के बेनिफिट्स बताऊंगी बहुत सारे। चुकंदर सलाद में, सब्ज़ी में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर लोग इसको सलाद में इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम बीट रूट के अंदर 43 कैलोरीज़ होती है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो ये वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। 100 ग्राम बीट रूट के अंदर 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतरीन है, यानी कि वो इसे खा सकते हैं। चुकंदर के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप चुकंदर को उबाल लें और उबालने के बाद उसका पानी पी लें और साथ ही चुकंदर भी खा लें, तो इससे आपके स्किन में निखार आएगा। चुकंदर के अंदर आयरन, फॉस्फोरस, प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि आपके स्किन को गुलाबी करता है, खून भी साफ़ करता है और जिस्म से जितने भी जहरीले मादे हैं उसको निकाल देता है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये अनीमिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। बीट रूट आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रेन में जाके नाइट्रेट का काम करते हैं। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद है। हार्ट अटैक के रिस्क को भी ये कम कर देता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो या जोड़ों का दर्द हो, बीट रूट इसके लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है और कब्ज को दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, यानी कि विटामिन ए सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से दिल की बीमारियां नहीं होती। तो देखा आपने, चुकंदर आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए कितना बेहतरीन है। तो आजकल वैसे भी चुकंदर का सीज़न है, आप चुकंदर को लाएँ, उसको उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएँ या उसका जूस निकाल कर पिएँ, या चाहे तो उसको उबाल कर खाएँ। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि मैंने काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए बीट रूट के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।